सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आप देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। आज की वीडियो फिर से हमारी पोलो जीटी के ऊपर है। तो भाई आप लोगों को पता है, जैसे जैसे मैं जो जो चीज़ें करवा रहा हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करता रह रहा हूँ और आप लोगों को भी पसंद आ रही है और कई सारे लोग जो है उस चीज़ को लेके अपनी गाड़ियों में भी वर्किंग करा रहे हैं। तो भाई आज जो चीज़ मैं अपनी गाड़ी में लगाने वाला हूँ, ये आप हर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करा सकते हैं और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप ये OEM लगवाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आफ्टर मार्केट जो होता है ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती है। लेकिन इन माई केस जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया था, मैंने ये सोच के मंगाया था कि वो OEM आएगा, लेकिन वो OEM नहीं आया, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है बहुत प्रीमियम है। और आया वो कहाँ से है वो आप लोगों को अनबॉक्सिंग में पता चलेगा। तो भाई मैं अपनी गाड़ी में लगाने वाला हूँ, मतलब कैसे वर्ड बोलूँ, स्टील पेडल्स बोल सकते हो इसको आप लोग, या फिर ग्रिपिंग पेडल्स बोल सकते हो, ये ऐसा कुछ आप लोगों को जो है समझ आ जाएगा। और ये पेडल्स आपको हर गाड़ी में लगाना चाहिए, चाहे आपके पास मैनुअल गाड़ी है चाहे ऑटोमेटिक गाड़ी है, दिस इज दी मस्ट थिंग। कई सारों में क्या होता है, जो डेड पेडल वाला पार्ट होता है उसमें भी आप लोग मेटल पेडल लगा सकते हो। तो आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सोच सकते हो कैसे क्या वर्किंग करानी है। सबसे पहले जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया उसकी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये मैंने कहीं से मंगाया था बाहर से, और उस टाइम पे जब उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था हाँ भैया ये OEM है, लेकिन मेरे पास आने के बाद जब मैंने उसकी बॉक्सिंग देखी तो मेरे को क्या लगा वो आप लोग देखना, उसमें चाइना का साइन था तो मैं समझ गया था, लेकिन क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी थी, इसलिए मैंने उसका जो है इंस्टॉलेशन का प्लान किया। लेकिन सबसे पहले आप देखो अनबॉक्सिंग। जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा देखने को मिलता है, और इसके साइड से आपको देखने को मिल जाएगा कि ये सामान जो है चाइना से ही आया हुआ है। 80 लिखा हुआ ऑटोमेटिक उसका है, तो ये OEM वाले नहीं है। ये मेरे को कॉस्ट किए करीबन 1650 रुपये, अच्छे थे, ठीक है। क्वालिटी लुक्स रियली नाइट। अब मैंने इसके ओरिजिनल वाले देखे नहीं है हाथों में पकड़ के, तो इसमें आप लोगों को बारकोड वारकोड भी चाइना वाला पूरा देखने को मिल जाएगा। सो ये आपका एक्सेलेरेशन वाला है और ये आपका ब्रेकिंग वाला है। अब इनमें से एक ना थोड़ा सा आई गेस कोई वाला पैडल उतरेगा फिर ये चढ़ेगा, और एक कोई अपने आप ही उसके ऊपर चढ़ जाता है, मेरे को पता नहीं दोनों में से कौन सा है। तो इसके लिए मैं प्रोफेशनल बंदे की हेल्प लूँगा, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप लोग कंपनी से ही OEM वाला खरीद के लगाओ तो बहुत बढ़िया है। कोई और भी गाड़ी मैंने अपनी SUV में भी लगाया, इट्स गोइंग सुपर स्मूथ और बढ़िया, और मैं अपनी थार में भी लगवाऊंगा भाई ये चीज़ ना, और ये बहुत नेसेसिटी है भाई, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नॉर्मल वाले थोड़े टाइम पर घिस जाते हैं, ऑल्दो मेरे घिसे नहीं है, लेकिन इनके ऊपर ग्रिपिंग होती है, उनके ऊपर अगर आप लोग जूते भी रख के चलाते हो तो स्लिप फ्लिप कुछ भी नहीं होते, तो ये एक प्लस चीज़ है, आप लोग ज़रूर लगवाना, ठीक है। मुझे 1650 रुपए के पड़े हैं COD के साथ, तो मुझे लग रहा था फ्रॉड ना हो जाए, वैसे ये 1500 रुपए के मिलते हैं अगर आप पे करके लेते हो, ठीक है। प्रोफेशनल हेल्प तो मिल नहीं पाई, लेकिन आपके भाई ने अपनी हेल्प से इसका पूरा काम सॉर्ट आउट कर दिया। इसके ऊपर एक रबड़ लगा होता है ब्रेक वाले के ऊपर, तो उसको निकाला और ये लगा दिया, बाकी सब सॉर्टेड है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, फील अच्छा ही आ रहा है। ये आपका डेड पेडल है, ये आपका एक्सेलेटर है, बढ़िया चल रहा है, बाकी देखते हैं भाई कितना लॉन्ग टर्म चलता है। 1650 रुपये फेल तो नहीं होते, ये हम देख लेंगे ओवर द टाइम, और आपको इसका रिस्पॉन्स भी बता दूंगा। बिजी चल रहा था मैं, इसलिए ये शूट 3 दिन में चले गया, एक दिन अनबॉक्सिंग हो गई, एक दिन इंट्रो वाला सीन हो गया, तो आई होप आप लोग समझ सकते हो। सो हम लोग गाड़ी अनलॉक करते हैं। मैंने आप लोगों को नाइट मोड जो है इसका दिखा दिया था कि कैसा ये देखने को मिलता है। अब इसका अगर आप लोग डे मोड देखना चाहो तो डे मोड में आप लोगों को क्लैरिटी इसमें देखने को मिल जाएगी। सेम अगर आप लोग पोलो GT खरीदते हो 1.2 वाली जब खरीदते थे तो उसके अंदर ये पहले से ही लगा हुआ आता था, ठीक है। ये पूरा सिक्योर्ड है पीछे से, ठीक है, ये चीज़ मैंने क्रॉस चेक भी कर ली थी, यहाँ से भी ये पूरा का पूरा फिट है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये मोमेंट नहीं होनी चाहिए जब इसको आप फिट करा दो, इसके पीछे बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है ये देखो, ठीक है। और मैंने इसको ऑलरेडी लगा के यूज़ कर लिया, लेकिन आप लोगों को भी चला के जो है मैं इसका रिस्पॉन्स चेक करा दूंगा कैसे क्या है। इट्स अ स्नग फिट, इट्स अ प्लग एंड प्ले, इससे कोई वारंटी वॉइड नहीं होती है। इसके ऊपर रबर हटता है, इसमें रबर आता ही नहीं है, तो गुड है। एक बार गाड़ी चलाते हैं आपको दिखाता हूं। गाइस इस मोड से आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है समझ पा रहे होंगे कि क्या फ़ायदा है इसका। नॉर्मल वालों का क्या होता है, वो ओवर द टाइम ना घिस जाते हैं, ऑल दो मेरे वाले घिसा नहीं था बिल्कुल भी, ओके रिपोर्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगेन फॉर बेटर ग्रिपिंग ये चीज़ लगवाने का आपको फ़ायदा जो है वो हमेशा 1 पॉइंट रहेगा ही रहेगा। अभी मैं आप लोगों को दोनों एक्सेलेरेशन और ब्रेकिंग दोनों दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को आइडिया बड़ा अच्छा मिल रहा होगा कि हाँ भाई भैया यूज़ कर रहे हैं तो पता चल रहा है। और मैं कोई भी चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ पहले खुद ट्राइड एंड टेस्टेड करता हूँ, ठीक है। और मैंने अपनी XUV के अंदर भी लगा रखा है और उसमें भी रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया, और मैं थार में भी लगाऊंगा, ठीक है। और इसमें मेरे को क्यों लगाने की ज़रूरत लगी कि कई बार क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता था जूते जब मैं पहन के चलाता हूँ ना तो हल्की सी ग्रिपिंग की दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है, आप जैसे मिट्टी या मड के ऊपर होते हो और उसके बाद एकदम से गाड़ी में बैठते हो, थोड़ा सा पैर स्लिप होता है उसके ऊपर, तो ये चीज़ मैंने फेस करी थी। तो उसके बाद मैंने सोचा भाई ऐसा क्यों ना किया जाए, और अगर मड वड भी लगा होगा तब भी ये सुपर सक्सेसफुल तरीके से आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। और ग्रिपिंग के साथ में आप देख सकते हो पूरा परफेक्ट तरीके से ये अपना काम कर रहा है, एंड अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग ज़रूर अपनी गाड़ी में
लगवाइएगा। ओके गाइस, तो आई होप कि आप लोगों को जो है चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं क्या चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं जो अपनी वीडियोस में आप लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ, थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा। मैंने आप लोगों को इस वीडियो की सीरीज स्टार्ट करने से पहले कहा था कि मैं आप लोगों को जो भी दिखाऊंगा वो सारे लेजिट मॉडिफिकेशन दिखाऊंगा, और लेजिट मॉडिफिकेशन होने के साथ साथ मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ रिकमेंड करूंगा जो आपके लिए भी फायदेमंद हो, जो कि मैं यूज़ एंड ट्राई करके आप लोगों तक लेके आता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को लेके आऊँ। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियो रखता हूँ जिससे आप लोग जो है मेरे साथ इंगेज हो सको, और साथ ही साथ में ये वो मॉड्स है जिसको हर कोई बंदा करा सकता है, और चाहे वो आप अपनी पॉकेट मनी से कराओ, चाहे अपने घर वालों से मांग के लगाओ, या फिर अपने पैसों से लगाओ, तो ये आप सब चीज़ें करा सकते हो। अब इसकी नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो भी मैं ऐसी आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी चीज़ें बताऊंगा, और ये जो चीज़ें होगी ये ऐसी चीज़ें होगी जो कि आप लोग ऑलमोस्ट सब गाड़ियों में करवा सकते हो, चाहे वो LED हेडलाइट्स हो, चाहे वो अभी साइड मिरर का मैंने एक नई चीज़ देखी है उसके ऊपर मैं लगाऊँ वर्किंग में, कैसे मैं सबके लिए वो चीज़ अवेलेबल करा सकता हूँ, तो वो आप लोगों के लिए जो आएगा। बाकी आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर हमको लाइक शेयर कमेंट करके बताना। और कई सारे लोग कह रहे थे कि भैया आप एग्जॉस्ट लगाओगे या नहीं लगाओगे, क्या है सीन क्या नहीं है, तो भाई एग्जॉस्ट का अभी कोई प्लान नहीं है। और कई सारे लोग पूछ रहे थे अलॉय व्हील्स बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे, भाई मैंने आप लोगों को बोला ना कि इस बारी जो भी चीज़ होगी वो बिल्कुल 100% लीगल होगी, 100% लीगल होगी जो भी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पाओगे। आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो लाइक शेयर कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हो मुसाफिर 7811 लिख के, फेसबुक में फॉलो कर सकते हो मुसाफिर खास लिख के। आज के ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।